लोक सेवा केंद्र के संचालक ऊपर हितग्राहियों ने लगाए लाखों रुपए गबन का आरोप। पीड़ितों ने राशि दिलाने कलेक्टर से लगाए गुहार। एसबीआई कियोस्क शाखा लोक सेवा केंद्र के संचालक दुर्गेश साहू के ऊपर पीड़ित ग्रामीणों ने धोखाधड़ी करके लाखों रुपए के साथ पेंशन राशि निकालकर डकार कर फरार हो जाने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला लोरमी तुलसा घाट का है, जहां के 5 पीड़ित लोगों ने जिला कलेक्टर अजीत बंसल से राशि दिलाए जाने की लिखित शिकायत के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिससे सैकड़ों पीड़ित हितग्राही रोज दर बदर भटक रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मानस कुमार वैष्णव 1,92,000, सुमित्रा ढीमर 1,30,000, कांतिबाई 70,000, गायत्री ढीमर 20,000 और दिलीप साहू से 10,000, कुल राशि 4,13,000। ऐसे ही सैकड़ों हितग्राहियों के राशि गबन कर फरार होने के आरोप लगाए हैं। वहीं शिकायत नहीं करने के एवज में लोक सेवा केंद्र के संचालक ने फर्जी चेक भी दिए हैं, जो कि खाते में राशि नहीं होने से बाउंस हो गया। तो जनाब ने 25 नवंबर 2021 तक राशि देने के अपने लिखित कागज का झुनझुना थमाया और चलता कर दिया। महीनों बीत जाने के बाद भी लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन भुगतान नहीं किया, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई, लेकिन वहां भी कार्यवाही नहीं होने से आज जिला कलेक्टर अजीत बंसल से मिलकर राशि दिलाने के फरियाद किए जाने की गुहार लगाई। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ऐसे इस क्षेत्र के सैकड़ों हितग्राही हैं, जो इनके धोखाधड़ी के शिकार होने की बात कही है। के बनाएंगे दाई, हम आ रहे हैं नौकर से लेके, हमारे 70,000 रुपया दुर्गेश साहू ले है, बैंक के दिया है, शाखा है, और हम देवो दाई, देवो दाई, रिपोर्ट झन कर दाई, देहा देहा तो देवे नहीं कर रहे, 6-7 महीना हो गए तो हम आ रहे कलेक्टर मेरा वहाँ पर। तो क्या बोली से कलेक्टर साहब करके 1.5 लाख रुपया है साहब, नहीं बताई नहीं जाते जाएगा, जाते जाएगा भगवा देते, ऐसे मोला अंगठा दबा दबा के पैसा ले ली सब लोग 1 लाख। दुर्गेश का करते थे वहाँ तो मैं बैठा थे ऐसे शाखा में सही बेटा ठीक है, घरों खा दे मोर पूंजी बौरी के। दुर्गेश साहू शाखा बैंक खोले रही से ओला 2,90,000 दे रहे हैं, ओखर बाद 1,90,000 ला नहीं दे है, घुमात है और हमारा आवाज ला कोई नहीं सुना, तब कलेक्टर मैडम मेरा आ रहे हैं। का बोली से देखूं लिखूं देखूं ऐसे बोलूं कैसे कदे बहुत आदमी पैसा खा है भाई, लेकिन हमार पैसा चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, बनी भूति कर कर के जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, अभी बर बिहाव करना है अपन बाल बच्चा के, चना मुगा बेच बेच के हम जमा कर रहे हैं। तोर कहाँ रहने वाला हो? लोग मोर पूर्णिमा वैष्णो ना है, तुलसा घाट लोरमी में रही था रामहेपुर। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर अजीत बंसल ने तत्काल जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश लोरमी अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान को दिए, जहां मेनका प्रधान ने मीडिया को बताया कि लोक सेवा केंद्र के संचालक दुर्गेश साहू के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें जांच कर उचित कार्यवाही करने की बात कही है, जिसमें जिलाधीश महोदय द्वारा जांच करके कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, तो इसके त्वरित जांच किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके बावजूद में इसकी भी जांच की जाएगी और अगर वो दोषी पाया जाता है तो विधिक कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि इन पीड़ितों की राशि वापस मिल पाती है या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। लोरमी मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।